दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे एजुकेशन वीडियोस बना सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एजुकेशनल वीडियोस प्रोफेशनली बना पाएंगे, वो भी बिना किसी कैमरे की मदद या DSLR की मदद लिए बिना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ ऐप्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए हमको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पर जाना है। चलिए हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पर चले जाते हैं। यहाँ पे हमको जाने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप्स आ चुके हैं। इनमें से आपको वी स्क्रीन रिकॉर्डर को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको लिंक चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दे रहा हूँ। मेरे पास यहाँ ये ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इस ऐप में कुछ एक दो सेटिंग्स करनी है जिससे हमारे एजुकेशन वीडियोज़ परफेक्टली बनेंगे। तो चलिए हम इस ऐप में चले जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप खोलते ही यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स का आइकन है। इस सेटिंग्स वाले आइकन को हमको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वीडियो की सारी सेटिंग्स खुल चुकी हैं। और यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है वीडियो ओरिएंटेशन का, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ हमको लैंडस्केप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों लैंडस्केप ऑप्शन सिलेक्ट करने से हमारी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस लैंडस्केप मोड में आएंगी जो कि एजुकेशनल वीडियोस में यूज़ होती है। दोस्तों यहाँ आपको दूसरी सेटिंग जो करनी है वो है वीडियो रेजोल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ जो वीडियो रेजोल्यूशन लिखा है इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको वीडियो को रेजोल्यूशन किस क्वालिटी का चाहिए, 480p, 720p या 360p। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने वीडियो रेजोल्यूशन को 720p पे करिएगा। तो दोस्तों हो गई हमारे सेटिंग्स की बात। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप यूज़ कैसे करना है आपको। दोस्तों यूज़ करने में कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप ऐप में जो राइट साइड में बीच में ये जो छोटा सा कैमरे का आइकन देख रहे हैं उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे चार ऑप्शंस छोटे छोटे ऑप्शंस आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ जो सर्कल का ऑप्शन है सबसे ऊपर, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। देखिए ये हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग 3-2-1 होने के बाद चालू हो जाएगी। और यदि हमको इसको एंड करना है तो हम इसी पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ये जो स्क्वायर बॉक्स आ गया है अब इसको हम क्लिक। और दोस्तों यदि कभी आपको जैसे आप GK वगैरह या UPSC IAS के क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप MCQ के थ्रू समझाते हैं या कुछ डायग्राम आपको नीड में लगता है या कुछ अंडरलाइन करने के लिए आपको चाहिए तो यहाँ हमको ब्रश का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों ब्रश के ऑप्शन के यूज़ करने के लिए भी हमें यहाँ पर इस छोटे से आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो ब्रश का आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है वो हम चालू कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसका यूज़ करके बताऊँ। देखिए इस टाइप से आप अपनी स्क्रीन पर ये ब्रश का यूज़ करके कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टिक मार्क कर सकते हैं। और यदि आपको इसको अंडू करना है, ये जो लेफ्ट वाला एरो वाला ऑप्शन है इसको आप करेंगे तो इससे अंडू हो जाएगा। और अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो X दबा देंगे तो पूरा जो आपने ब्रश यूज़ करा था वो चले आएगा। दोस्तों ये तो हो गई स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की बात। अब दूसरी ऐप जो आपको इंस्टॉल करनी है कि PDF कैसे बनाएं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पर जाना है और यहाँ पर जाके हमको सर्च करना है PDF Utilize PDF Utilize करके सर्च करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये आएगा PDF Utilize मर्ज रिकॉर्डर स्प्लिट एक्सट्रैक्ट एंड डिलीट। ये वाली आपको ऐप को क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास यह ऐप पहले से डाउनलोडेड है तो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों अब मैं बता देता हूँ इस ऐप को खोल के कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों जो नीचे टेक्स्ट टू PDF का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट बनाएंगे वो आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे MCQs, जनरल नॉलेज के MCQs पहले से बना के फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए रखे हुए हैं, इसी तरह आप भी यहाँ सेम टू सेम एज इट इज़ MCQ बना सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके भी बता सकता हूँ कि आप कैसे अपने MCQs बना सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ मैं कोई लिखता हूँ वॉट इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया ? और यहाँ हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी चेन्नई। दोस्तों देखिएगा, आप सिंपली ऐसे टेक्स्ट लिख के अपने वीडियो के लिए MCQ वगैरह बना सकते हैं। और यदि आपको ये जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना है तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये जो सारा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करना है और ये जो नीचे बी का ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा, देखिए ये सारा टेक्स्ट जो मेरा था, जो मैंने सिलेक्ट करके बी करा था, बी पे क्लिक करा था, वो सारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। यहाँ से आप इसको अगर अंडरलाइन करना चाहें तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये जो यू वाला ऑप्शन है इसको यू करेंगे तो क्लिक करेंगे तो ये जो आपका है अंडरलाइन हो जाएगा। और यदि आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये जो आप टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जो नीचे आप देख सकते हैं ये जो पेंट वाइट में कुछ बॉक्स में आ रहा है इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो आपको कलर पसंद हो वो आप रख सकते हैं सिलेक्ट करके। मैं भी यहाँ वाइट ही रख रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह आप अपने PDF बना सकते हैं और इसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए हमको ये जो ऑप्शन है ऊपर एरो का, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि हमारी PDF में कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का PDF का ऑप्शन है इसको हमको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारी PDF का कुछ नाम रखने के लिए बोलेगा वो, तो जिस नाम से भी आपको PDF सेव करना है अपनी PDF को कोई भी नाम देती है, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ MyGK क्विज और इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी PDF जो है सेव हो चुकी है। इसके लिए फिर वापस हम अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर ऐप पर चले आएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हम सर्च करेंगे MyGK क्विज और देखिएगा दोस्तों हमारी PDF यहाँ तैयार हो चुकी है। इस पर क्लिक करते ही हमारी PDF ओपन हो जाएगी। देखिए दोस्तों हमारी यहाँ PDF पूरी तरह अच्छे से परफेक्टली बन चुकी है। दोस्तों ये तो हो गया एजुकेशनल वीडियो के लिए मटेरियल और स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप कैसे यूज़ करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसको पढ़ाना कैसे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के रोटेशन को ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल को रोटेट कर देना है। दोस्तों इस तरह देखिए आप अपने चैनल में एजुकेशन वीडियोस बना सकते हैं और मैं आपको उसको करके भी बताता हूँ कि आप कैसे वीडियोस बनाएंगे। कि अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें से जो भी हमारा सही ऑप्शन रहेगा उसके लिए हमको टिक करना पड़ेगा। तो टिक करने के लिए सेम प्रोसेस हमको यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और जो कि हमारा यहाँ आंसर है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली एंड यहाँ पे हम टिक कर देंगे और ये हमारा हो गया। तो टिक करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट होगा। इसी तरह आप नीचे स्क्रॉल कर करके टिक कर करके एजुकेशनल वीडियोस परफेक्टली बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा।